मेरा नाम सुरेंद्र मोहन अरोड़ा है। मैं भारत जन आधार पार्टी का अध्यक्ष हूं और ये अभी हमने 2014 में लॉन्च किया है। किसके लिए? ये दोनों का पार्टियों को देखने के बाद हमने अपनी ये पार्टी बनाई। तीसरी पार्टी ने एक अनशन वादे किए थे, वैसे वादे कोई भी नहीं किए जाएंगे, जिसमें आज वो सत्ता पे दिल्ली बैठे हुए हैं, आप जानते ही हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं। अभी रहा सवाल मिशन का, मिशन में आप अच्छे कैंडिडेट कोई आपकी नज़र में हो हमारे को रिकमेंड करिए, जो आप नहीं हैं वो बताइए, हमारे पास जो है हम उसमें से अच्छे अच्छे जो भी है जनता चुननी चाहिए। आप पहले अपने एरिया में चुनेंगे तो वो कैंडिडेट अपने आप जीतेगा, ये ख्याल रखिएगा, जो जिसकी सोशल एक्टिविटीज रहे। तो हमारा ये कहना है कि हर एक किसी से, बाकी रहा सवाल ये इलेक्शन अभी हाई कॉस्ट है और इन्होंने पानी की तरह जैसे दोनों पार्टी पैसा बहा रहे हैं, ये आपका पैसा भ्रष्टाचार का पैसा है, वही लग रहा है, आप समझते नहीं हैं। इलेक्ट्रो बॉन्ड किसके लिए आए? ये सबसे बड़ी ये जड़ जो है भ्रष्टाचार की वो इलेक्ट्रो बॉन्ड है। मगर इलेक्शन कमीशन भी आज की डेट में वो बहरा हो चुका हुआ है, उसको कुछ मतलब बोले तो वो कुछ उनको मालूम नहीं पड़ रहा। आप ईवीएम मशीन बंद करने की मांग करेंगे? ईवीएम की भी मांग करता हूँ, ईवीएम के ऊपर भी मैं अभी आता हूँ। अभी आपने जो पूछा है बहुत अच्छा है। ईवीएम में जो है, एक जो मेरे लोगों ने मुझे इंफॉर्मेशन दिया है, उन लोगों ने जहाँ पे ये जो पार्टियों के हाई जो रूलिंग पार्टी हैं, उन्होंने अपने यहाँ पे आईटी सेटअप किया हुआ है, जब हम चांद को ऑपरेट कर सकते हैं नीचे से, तो ईवीएम को भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। ईवीएम के लिए अब काम अच्छा था, मगर मेरा ये कहना है कि पूरे जो है आपके जिस बूथ के ऊपर, पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो वोटिंग हुए हैं, वो पूरा टेम्परिंग जो है वो पूरा यानी काउंटिंग होना चाहिए, तब ये एकदम निष्पक्ष चुनाव होगा, अदरवाइज ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा किसका? प्रमुख मुद्दा एनडीए हटाओ नहीं हटाना, देखो वो अपने आप ही हट जाएंगे, जगत जो अभी इस समय कोई भ्रष्टाचारी चुना नहीं जाएगा, जहाँ तक 200 उनके कैंडिडेट वैसे ही साफ हो चुके हों। आज जो पार्टी है, जो सत्ता लोग वाले, उन्होंने अपने आप ही उनको निकाल दिया। उसमें हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, हाँ। आप लोग का क्या रहेगा, क्या क्या हमारे 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट के अंदर पहला जो सा पॉइंट है, रोटी कपड़ा और मकान, जिसको आज जो गरीब की ज़रूरत है, समझे। उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण, आप जो सांस ही नहीं ले सकेंगे तो फायदा क्या है, आप सारा पोल्यूटेड एरिया कर दिया आपने, सारी जगह पे पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। इसके बाद सोशल जस्टिस जो है, जिस पे हाई पेंडिंग जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, डेट पे डेट चल रहे हैं, ये इसको रोकना है। उसके बाद आपका आएगा फिर ये युवक बेरोजगारी और महंगाई जो है, इन्फ्लेशन, हमारा जो सा आज रुपया जो सा है, हमारा तो सबसे बड़ी ताजुब की फाइनेंस वित्त मंत्री जो है वो बोलता है जी रुपया जो सा है नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, ये क्या चीज़ है? इस ऐसा तो वित्त मंत्री है हमारा, जब तक आप रुपये को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी जो रेवेन्यू, आज हमारा जो रेवेन्यू सोर्सेस क्या है, सारा हमारा जो सा है इम्पोर्ट के ऊपर ज़्यादा जो है, आयात के ऊपर ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो लोकल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को, इसको कलेक्शन प्रॉपर, लोगों को ईमानदारी से अपना टैक्स देना पड़ेगा, जिसको लोएस्ट रेट पे रखा जाएगा, ये हमारा मेन फोकस रहेगा। और इसके बाद ड्रग एडिक्ट जो ड्रग के लिए हैं, उनको फांसी की सजा इमीडिएट होगी, कोई उनका जुमसा सुनवाई नहीं होगी, आपके जिस पोर्ट पे पकड़ा गया वो पोर्ट वाला ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्री वाले जो है हमारे यहाँ उन्होंने बिजनेस कर रखा है, और उसके लिए हमारे यहाँ अराजकता फैलाने का कोशिश वो लोग कर रहे हैं। मुंबई से लोकसभा सीट के लिए कितने उम्मीदवार आप लोग खड़े करने वाले? सारे खड़े हैं जितने हैं,
उसमें क्या है, महाराष्ट्र, बम्बई क्यों, महाराष्ट्र का, मैं पूरा देश का बोल रहा हूँ।